चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग रेसिड्यू का दो क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वो दोनों क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है, तो आप लोगों को करना है क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए और इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सॉल्व हो जाता है तो समझ लो आप लोगों का प्रैक्टिस काफी अच्छा है, नहीं होता है तो मायूस होने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग मेरा सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को और भी क्रिस्टल क्लियर करो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर जो भी बच्चा मेरा लगातार ये वीडियो लेक्चर देख रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अगर वीडियो लेक्चर देख रहा है, तो वो समझ जाएगा कि दोनों क्वेश्चन में अगर मैं पोल्स निकालू दोनों क्वेश्चन का, तो इस पे तुमको सिंपल पोल मिलेगा, इस पे भी सिंपल पोल मिलेगा, बट इसके लिए हमें सिंपल पोल नहीं मिलेगा। और जब सिंपल पोल नहीं मिलता है और उसका रेसिड्यू निकालना होता है, तो एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था मैंने, वो फॉर्मूला क्या है, तो हिंट के तौर पे वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग खुद से करो और मतलब कि एक कॉन्फिडेंस अंदर ले आओ कि हाँ सर, रेसिड्यू का क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया, एग्जामिनेशन में करके ही आना है, ठीक है। तो 1/(m-1) का फैक्टोरियल, ठीक है, लिमिट z→z0 डी की पावर में m-1 अपॉन डी जेड m-1 z-z0 m f(z). यहां पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो m है वो क्या है, ऑर्डर। अब देखो z+1 की पार में 2 है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर, मतलब m की जगह 2 लिखना है आप लोगों को, ठीक। और z0 क्या है, जो आपका सिंगुलरिटी वाला जो निकालोगे ना, जैसे पोल्स निकाले, तो जैसे कि ये z+1 का होल रेस्ट पर 2 है, तो इक्वल टू 0 करके जो भी वैल्यू आएगा वो आपको z0 की जगह पुट करना है, ठीक है। सो सिंपल, अब तो बन जाना चाहिए, तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, बाकी मैं अभी सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले क्वेश्चन नंबर 2 पहले बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आसान है, इससे कंपेयर करेंगे अगर दोनों क्वेश्चन को तो ये ज्यादा आसान है, तो पहले आसान वाला बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, उसके बाद फिर ये भी बताता हूँ, हालांकि दोनों ही आसान है मेरे लिए, बट अगर कोई स्टार्टिंग में देख रहा है तो मैं कंपेयर करके बता दिया कि 2 वाला ज्यादा इजी। तो चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन को करते हैं। f(z) दे रखा है क्या हमें, z² अपॉन z+1 होल स्क्वायर 2 एंड z-2, ठीक है। अब इसका हम लोग पोल्स निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, पोल्स। तो आपको बताया था ऊपर ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल होंगे, तो नीचे वाले को डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना, तो ठीक है, कर दीजिए z+1 होल स्क्वायर z-2 इक्वल टू 0। तो भैया क्या होगा, यहाँ पे z+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और इधर भी z-2 इक्वल टू 0, तो ये z इक्वल टू आ गया 2 और इसका पावर 1 है, तो ये हो गया क्या, सिंपल पोल, ठीक है। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें क्या मिल सकता है, आप ही बताएं हमें, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी मिल सकती है भैया, z+1 होल रेस्ट पर 2 है ना, तो z+1 इक्वल टू 0 लिखेंगे और z हमें क्या मिलेगा, -1 एंड -1, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको वो जो अभी फॉर्मूला बताया था वही अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो हमें वो z0 भी मिल गया कि z0 हमें -1 यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक, बढ़ते आगे। चलिए, और सिंपल पोल का ये वाला तो आप लोग खुद से कर लेना, दूसरे क्वेश्चन में बना के दिखा दूंगा, सिंपल पोल का कुछ है नहीं, लिमिट्स डालना है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है, सिंपल पोल तो काफी इजी है, ये वाला बताता हूं मैं बेसिकली। तो हमको क्या निकालना है, रेसिड्यू एट z = -1 पे, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, 1/(m-1) का फैक्टोरियल, उसके बाद क्या लिखना है, लिमिट z→z0, फिर डी m-1 dz m-1, फिर यहां पे लिखना है हमें z-z0 होल स्क्वायर m f(z), ठीक। चलिए, इक्वल्स टू, तो हमें m तो पता है,
एम हमारा क्या ऑर्डर देख लो इसका, टू है, तो यहाँ पे वन अपॉन टू माइनस वन का फैक्टोरियल, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट भी हमें पता चल गया, माइनस वन पुट करना है, माइनस वन पुट कर दिया, ठीक है, ये भी पार्ट क्लियर। डी टू माइनस वन, टू टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन, तो डी अपॉन डी जेड हो गया, मतलब डिफरेंशिएशन एक ही बार करना, अगर डी स्क्वायर होता तो दो बार करना होता, डी क्यूब होता तो तीन बार करना होता, ठीक है, इतना बात तो पता ही होगा, ये डी है, ठीक है। चलिए उसके बाद जेड माइनस, जेड माइनस जेड नॉट, तो जेड नॉट मेरा माइनस वन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वन, ठीक है, और एम हमारा क्या हो जाएगा, एम ऑर्डर मेरा टू है, टू लिख देंगे। एफ ऑफ जेड क्या हो गया, जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस वन का होल स्क्वायर और जेड माइनस टू, ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल आउट, तो यहां से टू माइनस वन तो वन का फैक्टोरियल वन ही होता है, तो ये तो हट ही जाएगा, ठीक है, तो लिमिट वन लिखो ना लिखो बात एक ही है, जेड टेंस टू माइनस वन डी अपॉन डी जेड क्या मिला हमें, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस टू, ठीक है। अब ये वाला लगा दो, यू बाई वी वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, तो लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन, तो यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर का स्क्वायर जेड माइनस टू का होल स्क्वायर, जेड माइनस टू को रखेंगे तो जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू जेड माइनस, फिर जेड स्क्वायर रखेंगे जेड माइनस टू का तो वन होगा, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, जेड की वैल्यू डायरेक्टली रख दें अभी, नहीं थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जेड टेंस टू माइनस वन, तो ये हो गया टू जेड का स्क्वायर, फिर ये टू जेड का, एक सेकेंड, ये जेड माइनस टू है, थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है जेड और टू में, ठीक है, तो ये हो गया टू जेड स्क्वायर और फिर हो जाएगा माइनस फोर जेड, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा जेड माइनस टू का होल स्क्वायर। तुम इसको सॉल्व भी कर सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर दो, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, डायरेक्टली जेड का वैल्यू माइनस वन पुट कर रहा है, ठीक है, तो टू माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर माइनस वन, फिर माइनस वन का, सॉरी माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, माइनस वन का होल स्क्वायर इज क्या होगा प्लस वन, तो टू यहाँ पे आ गया टू, ये माइनस वन प्लस प्लस फोर, ये क्या हो गया माइनस वन का होल स्क्वायर इज वन, तो माइनस वन अपॉन में थ्री, ये थ्री होगा, माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज नाइन, ठीक है, तो इधर हो गया आपका फोर टू सिक्स, सिक्स में से बन गया फाइव, तो फाइव बाई नाइन, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्व करा, अदरवाइज आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना, जेड इक्वल जेड टाइम्स टू माइनस वन है, डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल पोल का, तो आराम से निकाल लेना, मैं नहीं बता रहा, सेकंड क्वेश्चन में करना या खुद से ट्राई कर लेना, सेकंड क्वेश्चन में बता दूंगा मैं सिंपल पोल वाला। मेन देखो मेरा मोटिव क्या है इस वीडियो लेक्चर के अंदर, कि ये वाला जो है ना, ये फॉर्मूला, ये अप्लाई करना सिखाना है आपको, ठीक है, ये मोटिव है मेरा। चलिए देखते, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला था थोड़ा सा टफ है, टफ क्यों है वो बताता हूँ, रीजन क्या है। क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस टू जेड अपॉन जेड प्लस वन का होल स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस फोर। देखो मैं क्या बोला था कि दोनों, जब भी ये पॉलिनोमियल होगा तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू पोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू जीरो कर देंगे, ठीक है, कर दिया जीरो, तो एक तरफ होगा जेड प्लस वन का, अभी देखा था जेड प्लस वन दो बार लिखेंगे जीरो और जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका जेड स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो जेड स्क्वायर इक्वल हो गया माइनस फोर और जेड स्क्वायर, सॉरी अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस फोर। देखो यहीं पे प्रॉब्लम होता है बच्चों को, ठीक है, अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसको अंडर रूट माइनस वन ऐसे भी लिख सकते हैं और ये रूट फोर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये तो आयोटा होता है, प्लस माइनस आयोटा, ये रूट फोर क्या हो जाएगा टू, तो मेरा जेड का वैल्यू क्या हो गया, एक हो गया प्लस टू आयोटा और एक हो गया माइनस टू आयोटा, आया समझ में।
अब तुमको डिसाइड करना कौन सा सिंपल पोल होगा और कौन सा पोल ऑफ ऑर्डर टू होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये है पोल ऑफ ऑर्डर टू। क्या है? पोल ऑफ ऑर्डर टू, क्योंकि इसके पावर में टू है, इसके पावर में वन है, तो इसको बोलेंगे क्या? सिंपल पोल। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल पोल। तो सिंपल पोल तो वैसे ही मैं नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं मेरा मोटिव है जो अप्लाई करना है, ठीक है? तो चलो वही अप्लाई करते हैं, पोल्स ऑफ ऑर्डर टू का रेसिड्यू निकालते हैं, ठीक है? चलिए निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? रेसिड्यू, रेसिड्यू एट किस पे निकालना है? जेड इक्वल्स टू माइनस वन पे। तो अब हमको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, वन अपॉन एम माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है? फॉर्मूला देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ना कि आप लोग को भी प्रैक्टिस हो जाएगा। जेड टेंस टू जेड नॉट, ठीक है, डी की पावर में एम माइनस वन, डी जेड की पावर में एम माइनस वन, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या होगा, जेड माइनस जेड नॉट रेस्ट पावर एम, और इधर हो जाएगा एफ ऑफ जेड, ठीक? आपको पता है एम और जेड नॉट क्या लेना है। एम जो है ये ऑर्डर होता है, और जेड नॉट जो है जिसपे हमको निकालना है, जेड इक्वल्स माइनस वन, ठीक है? तो अभी भी इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी एकदम सेम टाइप का था, बट न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस था बस। बाकी अगर पिछला वाला क्वेश्चन जो भी बच्चे अच्छे से देखा होगा तो वो ये वाला कर लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है हमें, वन अपॉन एम का वैल्यू टू है, तो टू माइनस वन का फैक्टोरियल, उसके बाद लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन, फिर डी, टू माइनस वन वन ही होगा तो डी अपॉन डी जेड हो जाएगा, मतलब एक ही बार डिफ्रेंसिएशन करना है, टेंशन खत्म। तो जेड जेड नॉट है मेरा माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस प्लस वन, एम ऑर्डर टू है, एफ ऑफ जेड है मेरा जेड स्क्वायर माइनस टू जेड अपॉन में जेड प्लस वन का होल स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस फोर। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? अब क्या करना है, ये तो वन ही हो जाएगा, तो लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन डी अपॉन डी जेड, ठीक है? अब हमें करना क्या है, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस फोर। अब यहां से तुम पिछले बार भी वही किए थे, यू बाई भी हम लोगों ने लगा दिया था, यहां भी लगाएंगे, लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन, चलो लगा देते यू बाई भी। तो डिनोमिनेटर क्या होता है, स्क्वायर, फिर यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस फोर को रखेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू जेड, और ये हो जाएगा माइनस टू, माइनस जेड स्क्वायर माइनस टू जेड को रखेंगे और इसका करेंगे तो इनटू सिर्फ टू जेड होगा, ठीक है? अब यहाँ पे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप माइनस वन पुट कीजिए, ठीक है? तो इधर हो गया माइनस वन का होल स्क्वायर, देखो डायरेक्टली मैं करूँ, माइनस वन का होल स्क्वायर इज वन, तो वन और फोर क्या हो गया, फाइव, ठीक है? माइनस वन, तो ये माइनस वन और टू, तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस टू, ठीक है? माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया वन वन, और ये माइनस वन, तो इसको प्लस टू कर देगा, ठीक है? फिर माइनस वन इसको बना देगा माइनस टू, ठीक है? अपॉन में माइनस वन का होल स्क्वायर इज वन, वन प्लस फोर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस फोर, तो ये हो गया माइनस ट्वेंटी, ठीक है? ये हो गया टू थ्री, थ्री टू जो सिक्स, और माइनस माइनस प्लस प्लस सिक्स अपॉन ये फाइव का स्क्वायर 25। तो अगर इसको तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो आ जाएगा माइनस 14 अपॉन 25, यही हमें निकालना था, ठीक है? वी विल गेट द फाइनल आंसर। बाकी जो सिंपल पोल है वो खुद से ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा उसका आंसर निकालने का, क्योंकि सिंपल पोल काफी ज्यादा इजी है और पिछला वीडियो लेक्चर में मैंने बता रखा है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। मुझे यही अप्लाई करवाना था आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस में, और मैंने अप्लाई करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।